तो गाइस आए हुए थे हम लोग पैराग्लाइडिंग करने, तो यहीं से गुजर रहे थे तो हम लोग सोचे कि चलो पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम तो मिलेगा नहीं। तो हम लोग तीनों जा रहे हैं, तो सागर भैया फॉर्म फिलअप कर दो तीनों आदमी का। तो क्या मज़ा आने वाला है सागर भैया? फुल मज़ा आने वाला है। तो सो हम लोग चलते हैं पैराग्लाइडिंग करने और आप लोग का एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसे रहता है, क्या मज़ा आता है कि नहीं, क्या व्यू है, मतलब मज़ा आता है कि नहीं। अगर आओ कहीं आ रहे हो तो पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको बताऊँगा, सब बताऊँगा आपको। तो बने रहने वीडियो में गाइस, मज़ा आने वाला। और उधर भी उसका भी ब्लॉग चालू हो गया, पैराग्लाइडिंग कर रहा है, तो चलते हैं करो करो चलते हैं गाइस अब पैराग्लाइडिंग करने। तो गाइस मज़ा आने वाला, जो एक्सपीरियंस एक ही करने वाला दो हुए, फिर आपने बोला तो तीन हो गए। अब यहाँ से रूट देख सकते हो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ, तो चलते हैं वहाँ पे, आप लोग को दिखाते हैं कैसे होता है पैराग्लाइडिंग। सागर भी छूट गया क्या? सागर है ना। सो गाइस पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं तो आपको ये भी एक्सपीरियंस मिलेगा पूरा ऑफ रोडिंग का। सुमो गाड़ी कहाँ है? पैराग्लाइडिंग भी करना तो डाउन कर। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए पैराग्लाइडिंग करने के लिए। अब यहां से आप व्यू देख सकते हैं, यहां से हम लोग जहां जंप करने वाला हूं यहां से आप देख सकते हो जो बहुत लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो गाइस यहीं से हम लोग पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, पैराग्लाइडिंग करने। सो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, देख सकते हो यहाँ से पैराग्लाइडिंग हो रहा है, जो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। तो चलते हैं यहाँ से पैराग्लाइडिंग। डर तो लग रहा है बट क्या करें, यही तो भाई साहब। सागर किधर है? तो कुछ ऐसा व्यू है गाइस, तो चलते हैं पैराग्लाइडिंग करने। तो डर तो लग रहा है गाइस, ये सब एडवेंचर है, आओ तो कर लिया करो, ये सब मजा आने वाला, यही तो मेमोरी रहेगा लाइफ में कि मैंने किया था कुछ। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं राइड पे जाने के लिए। तो GoPro है अब बिल्कुल वैसे ही, ठीक है भाई, नॉर्मली वॉक करना ना, मैं बोलूंगा नॉर्मल ऐसे हो जाएगा दौड़े में। चल पैर ऊपर कर, चलिए हम चलते हैं, ऐसा ही कुछ कौन पिक्चर जा जा दे फ्लाइवर है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, तीनों के तीनों जा रहे हैं लोग। अब पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, जो भी होगा आपके 500 रुपए वाला हाल ना हो जाए, 500 वाला हाल ना हो जाए। बस देखिए यहाँ पे देख के ही डर लग रहा है जैसे। अरे भाई साहब, अरे भाई गया ही तो सही गया। तो सागर कैसा डर लग रहा है? डर लग रहा है जो यहाँ है। क्या बोल रहा है? जोर से बोल भाई, जोर से बोल। सागर भैया मजा आ रहा है आपको, तो पूरा स्कूटी का हेलमेट खोल लिए हैं। अभी डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए कोई। बैठना नहीं वो देखो भाई। और तो भाई आज सही है भाई, आज आर्यन गुप्ता जी का बर्थडे है, सो हम लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं। आज बर्थडे है, आज ही मेरा जन्मदिन हुआ है, आज ही कुछ एडवेंचर समझ सकते हो गाइस, एडवेंचर है बट क्या करें, बर्थडे के दिन ही एडवेंचर कर रहा है जो आप देख सकते हो, कुछ दूसरा चीज नहीं हो। बस सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। बोल रहे थे कि तुम ऐसे दौड़ते ना,
दौड़ते रिकॉर्ड करके रख लेता पॉकेट भाई। नहीं नाटक मत कर, लग रहा सागर का फट रहा है भाई। ये बोल रहा है क्या फोन ही नहीं लेके बाइक को गिर जाएगा तो अलग ही बात है। 8000 रुपए की ऊंचाई है। मज़ा तो आने वाला है, अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। जब आए हो मनाली तो ये सब करना चाहिए, बट क्या है कि थोड़ा मज़ा आता है। ये कुछ भी चीज़ याद रहेगा, ये सब मेमोरी आपको याद रहेगा, यही सब आपको याद दिलाने वाला है कि मनाली हम लोग गए थे तो कुछ एक्टिविटी किए थे तो। और ये सागर भी यहाँ जो इनका फट चुका है पूरा। सोच रहे कि कैसे खुदता है भाई। सागर ये करने वाले तो थे नहीं। कौन है प्रणव? तू हमारे रिकॉर्ड कर दो ना। तो यही पे डर लग रहा है यार, गिर जाएंगे गोल गोल तो अलग ही बात है भाई। कितना सेकंड में कितना लोग चला गया पता नहीं यार। ये तो देख सकते हो कितना फुल लोग सेकंड में भी। हेलो ब्रो। हाँ बस मेरा बारी है, तुम्हारा ही बारी, दौड़ना पड़ेगा। रुको रुको एक बार आराम से ले चलो भाई, आराम से भाई, डर से आप रिकॉर्डिंग चालू है। तुम लोग कौन सा रिकॉर्डिंग किया है पता नहीं क्या है, गो थ्रू है कुपड़ा। कौन सा मेरा क्या है? हीरो का है। गोप्रो दिया है। अरे वो वहीं पे करेगा, वही करेगा, टाइट रखता है। तो सागर भैया जाते हुए इनका फट रहा है, बट क्या सागर जैकेट क्यों नहीं लगा लिया है? चैन कोई नहीं आराम से, कोई नहीं से फोबिया है उनको। ऊपर से उनको करा रहे हैं लोग जबरदस्ती हम लोग का। अरे अरे सागर ऑल द बेस्ट गाइज। स्टोरेज का भी दिक्कत चल रहा है यार, क्या करें गाइज, बहुत कम स्टोरेज बचा है, इतना ना वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। सो गाइज अगर आप लोग ब्लॉगर हैं तो आप लोग 1 TB वाला आईफोन ले, इससे कम का तो ले ही ना। हाँ तो बड़े तो बेच दो लेकिन 1 TB ही लो। क्या लास्ट नंबर है आराम से आ जाओ। अब मेरा चांस आने वाला है गाइस। अब गए चले रुकी। ये जाते हुए प्रणाम जाते जा रहे हो गया, फाइनली सक्सेस। अब मेरा चांस है गाइस, चलते मोबाइल। सो गाइस मैं जो ये पैराग्लाइडिंग किया था वो वीडियो मेरे एंड्रॉयड से डिलीट हो चुका था, तो मैंने ये वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर किया था तो मैंने उससे लिया है। तो मैनेज कर लेना, क्वालिटी मानता हूँ कम है गाइस, बट क्या करूँ गाइस, मेरे फ़ोन से भी डिलीट हो चुका है ये वीडियो और मेरे को बहुत दुख हुआ गाइस। बट एक्सपीरियंस अच्छी थी पैराग्लाइडिंग का, बहुत अच्छी थी। कोई नहीं गाइस, फिर से जाएंगे तो फिर से कर लेंगे पैराग्लाइडिंग, बट कोई नहीं। अब मैं ना याद नहीं था गाइस, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन में था और मेरे को ध्यान नहीं आया, अचानक से मैं स्पेस क्लियर कर रहा था क्योंकि मेरा एंड्रॉयड फ़ोन भी स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं क्लियर ये वीडियो डिलीट करते करते ध्यान में नहीं आया गाइस और वो भी डिलीट हो चुका था गाइस। तो मैनेज कर लेना गाइस, क्वालिटी मैं मानता हूँ कम है वीडियो का, कैसे कैसे थोड़ा सा मिल गया गाइस वही डाल दिया मैंने, तो इन्जॉय करिए आप वीडियो देख के।
सो गाइस आप ये जो फोटेज देख रहे हो ये मेरे फ्रेंड ने रिकॉर्ड किया था, और चलो अच्छा रिकॉर्डिंग कर दिया इसी बहाने। ये तो क्लिप था मेरे पास। तो गाइज फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं। अब फोटो लेना, वीडियो वगैरह लेना है सब लिए जो मैंने कैप्चर किया ऊपर, तो आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें से लेना है GoPro में। लाइडर क्या चीज है। सो गाइज मज़ा आया बट एक्सपीरियंस अच्छा था, तो आप लोग आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पर राइड ले सकते हो पैराग्लाइडिंग का। तो एक्सपीरियंस तो मेरे को अच्छा लगा, और आप भी देख लेना, बट मनाली का पूरा व्यू देख सकते हो, अच्छी खासी दिखती है ऊपर से पूरी मनाली का व्यू, और मज़ा आता है। फ़ोटो वीडियो भी ले लिए हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा व्लॉग में, तो बने रहे। थोड़ा आगे होना पड़ेगा। सो गाइस हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, और आप देख सकते हैं फुल एडवेंचर कर रहे हैं लोग, पैराग्लाइडिंग तो गाड़ी लिए लोग। अब हम लोग पीछे बैठ चुके हैं एकदम पास। अच्छा से पकड़ना तेरी ना, मजा आ रहा है। फाइनली उस गाड़ी से हम लोग उतर चुके हैं, क्योंकि बहुत साउंड रिकॉर्ड मैंने चेक किया, कुछ भी साउंड नहीं आया, तो देख लेना आप लोग, एडजस्ट कर लेना उसमें मस्ती, आप समझ जाना, मैं डाल दूंगा क्लिप। और गाइस अब गाड़ी आ रही है तो उससे चलनी है, अब देखते हैं क्या थोड़ा देर में। सो गाइस आप लोग को मज़ा आया होगा, मैं जानता हूँ आप लोग को मज़ा आया ही होगा, क्योंकि आप लोग आज का वीडियो में आप लोग देखे होंगे मनाली का पैराग्लाइडिंग जो मैंने आप लोग को दिखाया, कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। अच्छा एक्सपीरियंस था, बट चार्ज अप डाउन होते रहते हैं, आप लोग मैनेज कर लेना, जाके बात कर लेना, तो सही है। मत आना, अगर आप आ रहे हो मनाली तो ये सब करना बनता है, क्योंकि इसी सबसे तो यादें जुड़ी रहती है, मनाली का वाइब कुछ भी आती है यादें रहेगी। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा पैराग्लाइडिंग का वीडियो, तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और घंटा भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आप लोग का आज मजा आया होगा, आप लोग